हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में एसक्यूएल की, जिसमें हम आज सिलेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट में हम देखेंगे पूरी सिलेक्ट क्वेरी, जिसमें सिलेक्ट इज यूज्ड फॉर क्वेरिंग द टेबल्स, टेबल और टेबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स कैसा रहने वाला है? सिलेक्ट कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स और स्टार, अगर तुम्हें सब कुछ सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, देन यू हैव टू राइट, देन वेरियस क्लॉजेस आते हैं, जैसे वेयर कंडीशन, इसको हम जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो देखेंगे, ग्रुप बाय कॉलम नेम। ठीक है, देन हैविंग, इफ यू हैव टू स्पेसिफाई एनी कंडीशन, ये है कंडीशन ऑन ग्रुप बाय। ठीक है, हैविंग से यू कैन स्पेसिफाई कंडीशन ऑन ग्रुप बाय। ठीक है, देन ऑर्डर बाय से यू कैन स्पेसिफाई ऑर्डर, किस ऑर्डर में आंसर आना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई ऑर्डर बाय कॉलम। ठीक है, ऑर्डर बाय कॉलम, राइट। तो एंड इस वीडियो में और हम क्या देखने वाले हैं, सिलेक्ट के साथ साथ हम अपडेट भी देखेंगे, अपडेट। ठीक है, क्योंकि हम वेयर देखेंगे एंड वेयर में हम चीज़ें कंडीशनली करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अपडेट भी कभी कभी अपडेट भी हमेशा कंडीशनली कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम अपडेट डायरेक्टली लिख देंगे, अब सपोज़ एक टेबल है और अगर मैं बिना किसी कंडीशन के अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, चीज़ों को, तो सारे कॉलम्स अपडेट हो जाएंगे। तो कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंडीशनली अपडेट करते हैं, इसलिए कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हम फंक्शंस देखेंगे, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस देखेंगे। हम इनबिल्ट फंक्शंस एंड जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं या स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फंक्शंस होते हैं, उसको हम ट्रिगर्स एंड प्रोसीजर्स वाली वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं, तुम एसक्यूएल पोस्टग्रेस में लिखो या MySQL में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपाचे सर्वर ऑन करो, MySQL ऑन करो, MySQL के एडमिन में जाओ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे SQL मिल जाएगा, यहाँ पे तुम क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, हम अभी यूज़ करें पोस्टग्रेस। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले एक सिंपल सिलेक्ट क्वेरी देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब तुम बोलोगे EMPL कहाँ से आ गया, मैं देखो मैंने ऊपर ना एक EMPL नाम का टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, इस EMPL टेबल में क्या है, दिस मच कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इस इन कॉलम्स में ई नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है एंड डिपार्टमेंट नेम है। तो सिलेक्ट स्टार करने से क्या होता है, सिलेक्ट स्टार करने से सारे कॉलम्स हमें दिखने लगते हैं और विथ ऑल द डेटा।
अगर मैं ई नेम देखूं, एक मिनट स्पेलिंग वाला सीखिए, ठीक है। तो अगर मैं ई नेम देखूं तो केवल ई नेम आ जाएगा। सपोज डिपार्टमेंट नेम देखूं सिर्फ, तो डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। ये तो हुआ सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। अभी बात करते हैं, तो आ जाओ अब हम एसक्यूएल के ऑपरेटर्स की बात करते हैं। देखो जो हम अभी तक सिलेक्ट स्टार करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है, तो इससे क्या होता है, फेच ऑल कॉलम्स हो जाता है विथ ऑल डेटा। अगर मैं वेयर कर दूं, वेयर कॉलम हो कोई, ठीक है, इज लेस देन ग्रेटर देन, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू, या फिर इक्वल टू समथिंग, ठीक है, या फिर एनी कंडीशन। तो आ जाओ कंडीशन कैसी कैसी हो सकती है ऑपरेटर्स में। अभी एक ऑपरेटर होता है लाइक, कंडीशनल ऑपरेटर तो तुमने पहले भी देखे हैं, हर जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखे हैं, ठीक है। आ जाओ लाइक की बात करते हैं। लाइक ऑपरेटर से क्या होता है, चीज़ें किसके लाइक हैं। सपोज मैंने लिखा फू, ठीक है, इज इक्वल टू फू, करेक्ट करेक्ट ट्रू सॉरी ट्रू, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ फू इज इक्वल टू एफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अभी समझो इसको, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक है अंडरस्कोर, एक है मॉड्यूलस। अंडरस्कोर क्या होता है, एनी कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी कैरेक्टर, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट एनी सबस्ट्रिंग, ठीक है, सबस्ट्रिंग मतलब खाली, ठीक है, देन एक कोई भी कैरेक्टर, एक अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर, तीन अंडरस्कोर, कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। तो सपोज मैं फू बोलता हूँ और टू एनी कैरेक्टर्स बोलता हूँ, एनी कैरेक्टर, तो दिस होल्ड्स ट्रू। अगर मैं फू बोलता हूँ एंड इज इक्वल्स टू एफ मॉड्यूलस, ठीक है, तो दिस होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो अभी देखो इस वाले में क्या हुआ, f के आगे एनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, अगर मैं f इक्वल्स टू f मॉड्यूलस बोलता हूँ दिस होल्ड्स ट्रू, ठीक है। तो सपोज तुम्हें अपने एम्प्लॉई टेबल्स में से ऐसे नेम चाहिए, ठीक है, जिनका नाम h से शुरू होता है, तो तुम लिखोगे h मॉड्यूलस। अगर तुम्हें ऐसे नाम चाहिए जिनका नाम एच से शुरू होता है और चार अक्षर का, एक दो तीन चार अक्षर का, तुम ऐसे लिखोगे। अगर तुम्हें चाहिए जिनके नाम के बीच में एच आता है, तो तुम इस साइड मॉड्यूलस लिखोगे, ठीक है, अंडरस्कोर नहीं मॉड्यूलस, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा नाम चाहिए जिसके नाम में लास्ट कैरेक्टर आता है, फिर एच आता है, फिर कुछ भी आ जाए आगे, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आ जाओ हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रू फॉल्स के सेंस में देखते हैं, सिलेक्ट, मैंने बोला एफ ओ ओ लाइक, एफ मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स एनी स्ट्रिंग होल्ड्स ट्रू। एफ के आगे भी सपोज कुछ भी आ जाए, तो मैंने बोला था कि मॉड्यूलस कैन रिप्रेजेंट नो स्ट्रिंग ऑल्सो, ट्रू, देन इफ एफ ओ ओ आगे दो कैरेक्टर्स, ठीक है, ओ ओ टू कैरेक्टर्स, ठीक है, होल्ड्स ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैंने बोला एफ ओ ओ एंड आई वॉन्ट समथिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स, एफ एंड वन कैरेक्टर, दिस इज फॉल्स। F and any character is true, but F and any two character, these two represents two characters. Underscore cannot be an empty character, right? तो underscore की जगह पे कोई ना कोई character आना जरूरी है, कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है।
तो अभी ट्राई करते हैं, जैसे ऐसा नाम बताओ, सपोज हिमांशु है, तुम्हें चेक करना है कि ऐसा नाम है कि नहीं जिसमें मैन आता है। तो तुम्हें क्या करना है, MAN करना है, आगे मॉड्यूलस, उसके बाद मॉड्यूलस, ठीक है, होल्ड्स ट्रू। सपोज अभी एम्प्लॉय टेबल को ही चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पे तीन चार लोग हैं जिनके नाम ऋषभ, राकेश, साहिल, प्रकाश, इन सभी के नाम में ए तो आता ही है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिनके नाम में ए आता हो वही प्रिंट हो। तो ऐसा सपोज कोई नहीं है जहाँ पे जिसके नाम में ए नहीं आता, हम एक इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक इंसर्ट करते हैं राहुल, इसके नाम में ए नहीं आता है, ठीक है, कॉमा नहीं चाहिए, ऋषभ को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या राहुल इंसर्ट हो गया है। हाँ राहुल आ चुका है। अभी मुझे ऐसा चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने बोला ई ई नेम, स्पेलिंग छोड़ो, ई नेम वेयर फ्रॉम ई एम पी एल, वेयर ई नेम लाइक, ई नेम लाइक क्या, ई नेम लाइक ऐसे नाम जिनमें ए आता हो। तो ए आगे कुछ भी आता हो, पीछे कुछ भी आता हो, मगर ए आता हो, ठीक है। राहुल ऐसा नाम है जिसमें ए आता है, स्मॉल ए आता है। कैपिटल ए की बात करें तो ये सारे ऐसे नाम है जिनके उसमें कैपिटल ए आता है, कोई ऐसा नाम है जिसमें ए नहीं आता। सपोज राम, पीटर, सपोज, ठीक है, पीटर, पीटर को इंसर्ट किया। सपोज अभी सिलेक्ट स्टार करते हैं, जितना सिलेक्ट करोगे ना और FI उतना ही रन होता है, तो पीटर आ चुका है। अभी देखते हैं पीटर आता है, पीटर नहीं आया क्योंकि पीटर नाम ए नहीं आता। सपोज पीटर में पी आता है और किसी के नाम में पी है, तो तुम्हें चेक करना है पी वाले नाम, पी पी, ठीक है, पीटर है। अभी कैपिटल पी से चेक करना है, या फिर तुम्हें ऐसे नाम चेक करने हैं जो पी से शुरू होते हैं, या फिर तुम्हें दोनों चेक करने हैं, तो और लाइक लिख लो, या तो एक और तरीका बताऊंगा, पी मॉड्यूलस और ओके एक सेकेंड, पी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल वेयर ई नेम लाइक पी और ई नेम लाइक, ओके कंडीशन तो चाहिए उसको, ठीक है। तो पीटर प्रकाश दोनों आ गए, या फिर अगर मैं आई लाइक लिख दूँ, आई लाइक क्या करता है कि सेंसिटिविटी हटा देता है, दोनों चीज़ें चेक करता है कि पीटर पी कैपिटल पी से कि प्रकाश से, ठीक है। तो अगला ऑपरेटर देखते हैं, अगला ऑपरेटर है अपना, हमने लाइक देख लिया, इसका मतलब है कि आगे पीछे कुछ भी हो बीच में ई आर आना चाहिए, ऐसे नाम निकालो। इसका मतलब है आगे एक कैरेक्टर आए, एक कैरेक्टर कोई भी आए, रुक, अगर मुझे ऐसा चाहिए जिसमें पी हो, ET ER, ठीक है, छोटा पीटर, PETER, ठीक है, बस पीटर आया। और अगर मेरे को ऐसा चाहिए जिसमें ऐसा ही हो, पी यहाँ पे टी आता हो, तो ये अंडरस्कोर कैन रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर, राइट। सो ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है बस, मगर वहाँ कैरेक्टर होना ज़रूरी है। अभी अगर मैं यहाँ मॉड्यूलस लगा दूँ, सपोज PETER, PETER, और आगे मॉड्यूलस लगा दूँ, तो इट ऐसा हो सकता है कि मॉड्यूलस कैन रिप्रेजेंट नो स्ट्रिंग, ठीक है। तो मॉड्यूलस को अगर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ ना, तो वो कुछ ऐसा होता है, देखो मॉड्यूलस को अगर मैं बोलूँ तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, नो स्ट्रिंग, देन वन एनी कैरेक्टर, देन टू एनी कैरेक्टर, देन थ्री एनी कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा एंड सो ऑन।
आ जाओ तो ऑपरेटर्स में आगे बात करते हैं। लाइक का एक्सटेंशन आई लाइक, ठीक है, एंड नॉट लाइक लगा लो, आई लाइक एंड नॉट को आगे पीछे यूज़ करो, और के साथ को यूज़ करो, एंड तुम इस तरह से भी लिखोगे ना तो वो लाइक की तरह यूज़ होता है, ठीक है। सो उसको भी देख लेते हैं, जैसे तुम हमने यहाँ लाइक लगाया हुआ है, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, सेम रिजल्ट, ठीक है। तो दीज आर द सिम्बल्स, आई लाइक के लिए आगे एस्ट्रेक्स लगाओ, उसके बाद नॉट लाइक के लिए आगे नॉट लगा लो, ठीक है। तो अब ये है कुछ नॉर्मल जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हर जगह। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ का यहाँ पे एक और है ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन, नॉट इक्वल, नॉर्मल, नॉट इक्वल, नॉट एन इक्वल, देन ग्रेटर देन, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन इन क्या करता है, एक सेट ऑफ चीज़ों में से मैच करता है, सभी को देखेंगे अभी। नॉट नॉट नलीफाई मतलब दैट सेट के अलावा, ठीक है, बिटवीन, इज नल, इज नॉट नल, लाइक, एग्जिस्ट्स, ओके। तो लाइक हम देख चुके हैं, एग्जिस्ट और बाकी चीज़ें देखते हैं आ जाओ, ठीक है। हमारी एम्प्लॉय में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। अभी ढेर सारी सैलरीज है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPA वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, सैलरी वेयर कह रही है क्या, सैलरी इज वेयर कह, ओके, ये वैर कैरेक्टर कंपैरिजन हो गया, रुको। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल EMPL एंड ई नेम भी सही कर लेते हैं, ई नेम एंड सैलरी हैज़ टू बी अभी के लिए इंट, ठीक है, तो अभी इंसर्ट करते वक्त सैलरी में, ओके, तो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार सिलेक्ट स्टार्ट करते हैं, देखो हमारे पास इतनी सैलरी से 2000, 1000, 3000, 2400, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सैलरी 1000 से बड़ी, तो इन दोनों की सैलरी 1000 से बड़ी है। अगर मैं इक्वल टू स्पेसिफाई करता हूँ तो इक्वल टू 1000 वाला भी आ जाएगा, ठीक है, आ जाओ। तो और क्या कर सकते हैं, और लाइक हमने देख लिया, सैलरी देख लिया, ठीक है। वेयर तुम इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, सपोज अगर तुम्हें HR के लोग देख रहे हैं तो HR स्पेसिफाई करो कैपिटल में, इक्वालिटी चेक हो जाएगी। अगर तुम्हें ग्रेटर देन लेस देन सारे उसी तरह काम करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके, तो ये सारे वो हैं। अभी इन को देखते हैं, इन एंड नॉट देखते हैं, ठीक है। इन सपोज मुझे HR और मैनेजर लोग चाहिए, तो डिपार्टमेंट इन HR एंड मैनेजर, ठीक है, तो दो ही लोग हैं। ये एक सेट से कंपैरिजन करता है, जिसमें सेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो आएगा, नहीं करता है तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी सपोज नॉट देखते हैं, नॉट नॉट से क्या होगा, उसके अलावा बाकी क्या आएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इन HR और मैनेजर, HR एंड मैनेजर, ठीक है, HR और मैनेजर में नहीं, ठीक है। तुम नॉट किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हो, लाइक वेयर सैलरी सैलरी इज एयर सैलरी ग्रेटर देन 1000, ठीक है,
वेयर सैलरी वेयर सैलरी नॉट ग्रेटर देन 1000, ठीक है, तो 1000 से नीचे वाले आ गए, और अगर यहाँ से नॉट हटा दोगे तो इसका उल्टा रिजल्ट आएगा, 1000 से बड़े वाले आ जाएंगे, ठीक है। एंड तुम नॉट इक्वालिटी के साथ भी नॉट ऐसे नॉट इक्वल टू 1000 वाला भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड इक्वल वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ अब हम बात करते हैं बाकी ऑपरेटर्स की, और है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन देख लेते हैं। बिटवीन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय वेयर, तुम ना यहाँ पे कोई भी कॉलम भी स्पेसिफाई कर ही सकते हो, ठीक है। कॉलम्स को अगर तुम्हें एक से ज़्यादा चाहिए तो कॉमा सैलरी, ठीक है, वेयर सैलरी बिटवीन बिटवीन 1000 से 3000, 1000 एंड 3000, ठीक है। तो हमें मिल गए 1000 से 3000 के बीच में आने वाली सैलरी वाले लोग, ठीक है। तो अभी सपोज़ तुम्हें यहाँ पे नॉट लगाना होता, इसके अलावा चाहिए होते, तो नॉट बिटवीन उल्टा आ गया, ठीक है। तो नॉट तुम किसी भी कंडीशन में लगा सकते हो, एंड सपोज इज नल, तो अगर मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट नेम नल भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट्स हमने देखे, ठीक है। इस पर ड्रॉप करते हैं और डिपार्टमेंट को नल भी होने की इजाज़त दे देते हैं, इंसर्ट करते हैं, एक इंसर्शन और करते हैं, डिपार्टमेंट को यहाँ नल कर देते हैं, क्या डिपार्टमेंट नेम को, इंसर्ट हो गया। अभी देखते हैं, एक सेकंड, हाँ तो अभी ध्यान से देखो, तो आखिरी वाला जो ऋषभ है ना उसका डिपार्टमेंट नेम नल है, ठीक है। तो अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज नल, सिंपल इज नल आ गया, इज नॉट नल जिनका नल नहीं है, ठीक है। तुम इज नल लगा के ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, नॉट इज नल भी ट्राई कर सकते हो, नहीं इज नॉट नल ही होगा, ठीक है, इज नॉट नल ऐसे ट्राई करो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है, ये देखो बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 200 एंड 300, बिटवीन एनी डेट भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, डेट पे भी काम कर सकता है, एंड इंक्लूसिव होता है ये, नॉट बिटवीन, ठीक है, नॉट कहीं भी लगाओ किसी भी कंडीशन में। अब केस की बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ, हमने एक टेबल बनाया टेस्ट, उसके अंदर ए है, उसके अंदर थोड़ा बहुत इंसर्शन किया चार नंबर्स का, ठीक है, इंसर्शन किया चार नंबर का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, तो चार नंबर आ गए। अभी मैं बोलता हूँ कि चार नंबर को की जगह तुम्हें केसेस में, सपोज वन है तो पोएनी, टू है तो टी डब्ल्यू ओ टू, ऐसे दिखाना, तो तुम क्या करोगे, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, सपोज वैल वैल नहीं ए कॉमा केस, ठीक है, वैन डब्ल्यू एच ई वैन ए इज इक्वल्स टू वन, देन देन वन, ठीक है। सपोज इसको रन करके एक बार देखते हैं, फ्रॉम टेस्ट, Mm-hmm.
जस्ट सेकेंड, ओके एंड लगाओ एफ, ठीक है। तो बाकियों के लिए ना लाया, यहाँ पे हम एंड से पहले यहाँ पे एक और स्पेसिफाई कर लिया। एक सेकेंड, वैन के आगे से थोड़ा फॉर्मेट, ठीक है। वैन ए इज वन देन वन, वैन ए इज टू देन टी डब्ल्यू ओ टू, और तुम ऐसे एल्स में स्पेसिफाई कर सकते हो ए, ठीक है। ए नहीं, सपोज अदर लिख लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो वैसा ही जैसे ए मैच हुआ, जैसे केस स्विच केस होता है, ए मैच हुआ वन से, वन का वन, टू का टू, थ्री फोर में अदर, ठीक है। तो हमने केसेस भी देख लिए, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतने ही ऑपरेटर्स हैं, अब कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। इतने ही नहीं है, मतलब और भी ऑपरेटर्स हैं, बट हमने इतने देखे। एंड अगर तुम्हें किसी ऑपरेटर में प्रॉब्लम आती है, कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वह है वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। सो चलो चलते हैं क्वेरी में एंड हम देखते हैं, जैसे सिलेक्ट ए बी एस ऑफ माइनस वन, इससे क्या होता है, मॉडुलस होता है, तो माइनस वन का प्लस वन आ गया। सपोज एस क्यू आर टी ऑफ 144, आंसर आ गया 12, ठीक है। अगर तुम इसी तरह से मैथ्स फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सपोज लॉग लिख सकते हो, लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 2, 1, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ 10, ऐसा कुछ, तो ग्रेटेस्ट मिल गया तुम्हें, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर हो गया था, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, पावर, राउंड, सिलेक्ट एस क्यू आर टी, टैन, कॉस, ठीक है। तुम ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर, मतलब लिख सकते हो। आस्की वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे ए एस सी डबल आई, आस्की ऐसा है, ए एस सी डबल आई ऑफ सपोज 2, देख 1 देखना है तुम्हें, 49, आस्की अगर स्मॉल ए होता है 97, कैपिटल ए होता है 65, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे बिट लेंथ है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग इन बिट्स, ठीक है, 32 बिट, या फिर तुम बिट लेंथ की जगह नॉर्मल लेंथ स्पेसिफाई करो, लेंथ ऑफ सपोज हिमांशु आ जाएगा 8, ठीक है। एंड हम और भी देख सकते हैं, जैसे एल्ड, जैसे बहुत बार क्या होता है कि यूज़र बेकार होते हैं, यूज़र बेवकूफ़ होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे पीछे स्पेस डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, आगे पीछे स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। सपोज यूज़र एक बेकार था, उसने क्या किया, आगे स्पेसेस डाल दी, तुम क्या करो, इसको राइट साइड में स्पेस है, आर ट्रिम, ठीक है। तो इससे तुम्हें केवल हिमांशु मिलेगा, अगर तुम यार ट्रिम नहीं करते तो आगे कुछ ऐसा डॉट डॉट सा मिल जाता, ठीक है। तो अगर तुम्हें डेटाबेस में बेकार चीज़ें नहीं भरनी है, ठीक है, स्पेसेस नहीं भरने हैं, अगर सपोज एल में हो, लेफ्ट में होता एल टी आर आई एम, ठीक है। ये चीज़ें देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्ट में लिखे जा रहा हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक इंसर्शन जो है, यहाँ पे जैसे मैंने पीटर इंसर्ट किया था, पीटर बेवकूफ़ यूज़र था, ठीक है, उसने जी यू आई में क्या किया, बहुत सारा ये डाल दिया और बैक एंड ने हैंडल नहीं किया, ठीक है। तो अभी सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल करूँगा तो क्या आएगा, जो ये पीटर है ना, इसके आगे बहुत सारा स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे
तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, ई नेम, ई नेम को एल ट्रिम में भी पास कर दो, एंड उससे जो रिजल्ट आएगा उसको आर ट्रिम में पास कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो सारे रिजल्ट्स हैं ना वो अच्छे होंगे, आगे पीछे कुछ नहीं होगा उनके। ठीक है, तो और देखते हैं, फंक्शंस देख रहे थे हम। ठीक है, रिप्लेस है, रिपीट है, रिपीट से क्या होगा, रिपीटेड रिजल्ट आएगा। रिप्लेस, सपोज मैंने डब्ल्यू को डब्ल्यू डब्ल्यू से रिजल्ट रिप्लेस कर दिया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से, तो इस डब्ल्यू को कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू, ऐसा कुछ हो गया। जैसे ए बी सी डी का रिवर्स करना है, डी सी बी है, राइट राइट से क्या होगा ये देखते हो, 1 2 3 4, ठीक है, तो राइट साइड से जाना है, सॉरी राइट साइड से, 1 2 3 4, राइट साइड से 4 कैरेक्टर, आर बी आर। चलो इसको रन करके देख लेते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। सिलेक्ट ए बी सी डी, राइट से 2 कैरेक्टर निकालते हैं, राइट से 2 कैरेक्टर सी डी। ठीक है, यही चीज़ अगर लेफ्ट से करूं तो लेफ्ट से 2 कैरेक्टर आ जाएंगे, 5 ए ए एन लिख दिया क्या, बी लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही तुम राइट आर पैड और, ठीक है, आर पैड देखते हैं, देखो आर पी ए बी, सपोज ए बी सी डी है, ठीक है, और इसको आर पैड 5 कर दिया। इससे होता क्या है ना, पैडिंग आ जाती है, जैसे आर पैड यहाँ पे लगाया हाई में 5 का, ठीक है, सपोज देखो एच आई में 5 का आर पैड लगाया है, तो वो एच आई के आगे ना उसने 5 कैरेक्टर भर दिए। तो मैं, अगर नहीं दिख रहा है वो स्पेसेस हैं, मतलब अगर मैं इसके आगे कॉनकैट कर देता हूँ, हाई भी मार, ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे 5 कैरेक्टर ऑफ स्पेसेस हैं। ठीक है, और ये फंक्शन होता है कॉनकैट के लिए। कॉनकैट मैं तुम्हें और भी करके दिखाता हूँ, देखो कॉनकैट सिलेक्ट अगर मैं करूँ स्टार फ्रॉम ई एम पी एल, अरे ई एम पी एल, ये ऐसा डेटा है, सपोज तुम्हें ना लॉग क्रिएट करने हैं, ठीक है, लॉग वो वाले लॉग, लॉगरिथमिक वाला लॉग नहीं, लॉग किसने क्या किया कौन किस डिपार्टमेंट में, तो ये ध्यान से देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ई नेम मैंने चेंज कर दिया था। अब तुम बोलोगे कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल लिख रहा है, क्या बात है, ये तुम लिख सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं होता है इसके। ठीक है, तो अभी देखो ऋषभ हैविंग 2000 सैलरी वर्किंग एज डिपार्टमेंट 10 एस इन सेल्स, ठीक है, वो बना लेना तुम इन इन, ठीक है, तो ऐसा, तो ये क्या किया, कॉनकैट ई नेम, कॉनकैट हैविंग, कॉनकैट कॉनकैट कॉनकैट, दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा। तो इसकी जगह पे तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, सिलेक्ट ई नेम देन कॉनकैट के लिए ये सिंबल और वाला, ठीक है, ई नेम इज वर्किंग इन, और भी कॉलम्स यूज कर सकते हो, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम फ्रॉम ई एम पी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऋषभ इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, या फिर तुम ऐसा देख लो कुछ, डिपार्टमेंट नेम क्यों नहीं आ रहा है, नाम क्या है वो, इन डी पी टी, एक सेकेंड,
डिपार्टमेंट नंबर, ओके वो इंटीजर है, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ करो ना, सिंपल सपोज सैलरी आ गई, ऐसा सपोज हैज ए सैलरी ऑफ, ठीक है, हैज ए सैलरी ऑफ उसकी सैलरी, ठीक है, वैसा कुछ। तुम ऐसे लॉग्स जनरेट कर सकते हो, यही चीज़ सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो, हमने सिलेक्ट से इंसर्ट करना भी देखा था इंसर्ट में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे सब स्ट्रिंग है, अपर है, लोअर है, अपर लोअर से वही होता है। सब स्ट्रिंग में तुम नॉर्मल सब स्ट्रिंग 5 लिखा तो आगे से 5 काट के आ जाएगा, देन 5 to 6 लिखा तो 5 to 6 आ जाएगा। देखो 5 1 2 3 4 5 आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक आ गया। देन मनीषा को अपर किया तो मनीषा आ गया, ठीक है। और अब हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मूव करते हैं, जो कि है हमने सिंटेक्स में देखा था कि ग्रुप बाय एंड हैविंग ऑर्डर बाय, ठीक है। वेयर हमने वेयर देख लिया, ठीक है, वेयर देख लिया है, अब हम देखेंगे ग्रुप बाय, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है, इसमें आ रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ लोग 10 में है, 20 में है, 40 में है, 00 में, 30 10 20, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, तुम्हें पता करना है कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर देख लें, ग्रुप बाय DEPTM, क्या नाम रखा है, DEPTNO, ग्रुप बाय ठीक है, तुम्हें मिल गया। सपोज अभी काउंट करना होता, काउंट हमने नहीं देखा था, जैसे सिलेक्ट काउंट स्टार डाल दो यहाँ पे, कुछ भी डाल दो, कोई कॉलम डाल दो, फ्रॉम EMPL, ठीक है। तो 7 इंट्रीज हैं उसमें, ये पता चल गया, ठीक है। तो अभी सपोज डिपार्टमेंट में काउंट करना है, ठीक है, तो किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वो पता चल गया, ये देखो कितने लोग हैं वो पता चल गया। अभी चलो एक अच्छा टेबल बनाते हैं, एक नॉर्मल रनिंग के लिए टेबल बनाते हैं, शायद है हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें थोड़ा और इंसर्शन करते हैं, टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से सपोज करो और भी एंट्री है, 1 की एंट्री और है, 2 3 5 6 7, 2 3 4 1 5, ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट किया, अभी एक बार और देखते हैं। अभी देखो अगर मैं टेस्ट करता हूँ ग्रुप बाई ए कर देता हूँ, मुझे क्या मिला कि कौन से वो किसने बार हैं, अगर ए को ही लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे पता चल गया, एक सेकेंड, ए एस नंबर देखते हैं, ठीक है, कौन सा नंबर कहाँ पे है, ठीक है। अगर मेरे को काउंट करना होता, काउंट ए कर देता मैं, तो मुझे पता चलता कि 3 2 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम आया है, 4 2 टाइम आया है, 6 1 टाइम, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका यूज़ केस बताता हूँ मैं, देखो एक सिनेरियो बनाते हैं ऐसा कुछ जहाँ ये यूज़ हो सकता हो। जैसे तुम्हारा एक मूवीज टेबल है,
ठीक है, यहाँ पे मूवीज़ हैं, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे कुछ मूवीज़ हैं, सपोज M1 है, M2 है, M3 है, ऐसे और भी मूवीज़ हैं। ये थ्रिलर है, ठीक है, ये जॉनर है, ठीक है, यहाँ पे थ्रिलर है, ये सपोज सपोज ये हॉरर है, ये ड्रामा है, ठीक है। तो सपोज तुमने ऐसी क्वेरी लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज ग्रुप बाय जॉनर, ठीक है, और यहाँ ये लिखा, ठीक है, और तुम इमेजिन करो एक पेज है, ठीक है, इस पेज में यहाँ पे सारे जॉनर्स लिस्टेड हैं, तो वो फेच करने के लिए तुमने एक एपीआई बनाई है, गेट टाइप्स, ठीक है, और ये तुम्हें रिटर्न करता है ये क्वेरी का रिजल्ट, वो सारे जॉनर रिटर्न करता है। सपोज़ जैसे अमेज़न में तुमने देखा होगा कि जब तुम सर्च करते हो तो सर्च रिजल्ट्स के बाद में यहाँ पे काउंट भी लिखा होता है कि 10 नंबर के जूते 50 अवेलेबल हैं, या फिर वैसे कुछ लिखा होता है, जैसे टाइप्स में लिखा नहीं होता है कि ये टाइप की चीज़ इतनी अवेलेबल है, तो वैसा ही कुछ जॉनर के आगे काउंट लगा दो, काउंट स्टार लगा दो या काउंट जॉनर लगा दो, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि किस जॉनर की, सपोज थ्रिलर 10 मूवीज़ है, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, जब हमने ये क्वेरी फायर करी थी तो ए 3 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 6 1 टाइम, 2 4 टाइम, इस तरह से रिजल्ट आया। तो इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ इस तरह की क्वेरी फायर करने की कोशिश कर रहे हो, या जैसे शॉपिंग साइट्स में होता है, यहाँ पे तुम्हारे सर्च रिजल्ट्स के आगे वैल्यू लिखी होती है। देन ये हो गया ग्रुप बाय। अभी सपोज ग्रुप बाय में तुम्हें कंडीशन लगानी है, सब तो उसके आगे क्या लिखोगे, हैविंग। सपोज तुम्हें कंडीशन लगानी है कि जॉनर जो है ना वो हो थ्रिलर टाइप का या फिर ड्रामा टाइप का, ठीक है, तो तुम कुछ ऐसी कंडीशन लगाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी वैसा ही कुछ हम इस क्वेरी में करने की कोशिश करते हैं कि हैविंग ए इन लगा लेते हैं 1, 2, मैं केवल 1 और 2 का ही आंसर चाहता हूँ, तो 1 और 2 का ही आंसर है बस। तुम्हें अगर कोई कंडीशन किसी ग्रुप पे लगानी है तो तुम ये हैविंग यूज़ करोगे, हैविंग, ठीक है, हैविंग ए ग्रेटर देन 10 लेस देन समथिंग, वैसा कुछ, ठीक है। सपोज ए ग्रेटर देन 4, इसका आंसर देखते हैं 5, 6, 7, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 4 में 5, 6, 7 का ही रिजल्ट आ रहा है बस, राइट। तो ग्रुप बाई हो गया, अब देखते हैं ऑर्डर बाई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, क्या रिजल्ट आ रहा था, 1, 2, 3, 4 सारा जो रिजल्ट है। अगर तुम्हें एक ऑर्डर में चाहिए होता, ऑर्डर में, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय एक कॉलम चाहिए होगा ना, ए कौन सा कॉलम, ए एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो क्या आया 7, 6, 5, 4 फिर 3 फिर 2 ठीक है फिर 1, ठीक है। अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कुछ स्पेसिफाई मत करो, तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है, या फिर तुम ए ई एस से लिख दो, डी एस सी, ओके, सो ओके, सो तुम्हें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, या माई एस क्यूएल में तुम स्पेसिफाई भी कर सकते हो AESC, ठीक है। तो ग्रुप बाई देख लिया, एंड अगर सपोज एक क्वेरी बनाते हैं जिसमें सब चले,
जैसे सपोज ऑर्डर बाय का एक और एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला सबसे ऊपर आया, ठीक है पैसा। एंड देन अगर मैं करना चाहूँ ऑर्डर बाय से पहले ग्रुप बाय डी पी टी एन ओ सिलेक्ट, ठीक है। तो ग्रुप बाय जब भी हम लिखते हैं ना, तो जो कॉलम से ग्रुप किया है, क्योंकि वो तो ढेर सारे कॉलम होंगे ना, मतलब अगर तुमने ग्रुप बाय कर दिया थ्रिलर से, ग्रुप बाय कर दिया जर्नर से, तो थ्रिलर के अंदर सपोज M1 M4 M5 बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो सभी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे केवल DPT डिपार्टमेंट को ही दिखाते हैं। और तुम फिर ऑर्डर बाय नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे भी ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड डिपार्टमेंट नंबर में के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देखा है, तो अभी एक काम करते हैं, कॉमा एवरेज चलाते हैं सैलरी पे। ये क्या करेगा, ये इसने क्या किया समझो, इसको फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय, इसने क्या किया डिपार्टमेंट नंबर्स पे ग्रुप बाय किया, हर एक डिपार्टमेंट में गया उस पर ग्रुप किया और वहाँ पे देखा कि वहाँ की एवरेज सैलरी क्या थी। COUNT काउंट स्टार भी लगा दो तो समझ आ जाएगा। देखो डिपार्टमेंट नंबर 40 में एक काउंट था, वहाँ की एवरेज सैलरी 3000 थी, 30 में वन काउंट था 400 थी, 20 में टू काउंट था 1000 थी, 10 में 2000 टू काउंट था, ठीक है। तो इस तरह से तुम चीज़ें निकाल सकते हो ग्रुप बाय ऑर्डर बाय से, ठीक है। तो अब जब हमें कंडीशन लगाना आ चुका है, हमने वेयर देख लिया है, ग्रुप बाय देख लिया, तो हम थोड़ा सा अपडेट भी देख लेते हैं। अपडेट में अपडेट तो आ जाओ, अपडेट देखते हैं, अपडेट EMPL सेट, ठीक है। सपोज सभी को सैलरी में हाइक मिली, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी स्टार 0.1, ठीक है। अपडेट EMPL सेट सैलरी, ठीक है। क्वेरी रन, इसका सिंटैक्स देखो थोड़ा सा, अपडेट EM टेबल नेम सेट कॉलम नेम को क्या सेट करना है, ठीक है। तो अभी अगर हमने देखा तो इससे क्या पता चल रहा है, एम्प्लॉयज को सैलरी में हाइक मिली, एम्प्लॉयज़ को सैलरी में हाइक मिल गई, ये दो बार चलाया था मैंने, दो बार हाइक मिल गई, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक काम करता हूँ, इससे तुमने देखा कि सभी को हाइक मिल गई, ऐसा तो नहीं होगा ना कभी। चलो एक काम करते हैं, मैनेजर को ना, सपोज मैनेजर को एक दूसरी जॉब मिल गई, तो उसने बोला कि मैं कर जाऊँगा, तो उसको 2x हाइक मिल गई, ठीक है। तो केवल मैनेजर को 2x हाइक मिल गया, सभी को थोड़ी दे दोगे, तो वेयर वेयर, और इसको 2x करना चाहते हो, स्टार 2 कर लो, सैलरी क्वेश्चन टू सैलरी, सैलरी प्लस सैलरी कर लो, 2x हो जाएगा, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू मैनेजर, तो अभी देखो मैनेजर की सैलरी क्या है, साहिल मैनेजर 3630 रन हो गया, साहिल साहिल कहाँ गया, साहिल 7260 राइट। मैनेजर की सैलरी बस बढ़ी, सभी की नहीं बढ़ी, और ऐसा तुम करना भी नहीं चाहोगे कि सभी को अपडेट कर दो। उसी तरह से तुम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हो जो हम अभी तक सिलेक्ट में वेयर में लगाते आ रहे थे, लाइक डिपार्टमेंट नेम इन इन HR कॉमा सेल्स, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ओके। सो तुम अगर यहाँ देखो तो HR और सेल्स वालों की सैलरी बढ़ी है, ठीक है। तो उसी तरह से डिलीट भी होता है,
डिलीट स्टार फ्रॉम नहीं होता है, डिलीट फ्रॉम EMPL। अगर मैं डिलीट फ्रॉम EMPL चला दूंगा ना तो क्या होगा कि सभी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे। जैसे अपडेट करने में सभी अपडेट हो गए थे ना वैसे, ठीक है, तो डिलीट नहीं करेंगे। वेयर सपोज मैनेजर खुश नहीं हुआ 2x सैलरी से फिर भी भाग गया, तो अब क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर चला गया। और वही एट द एंड, चलो दिखाता हूँ, अगर तुम वेयर स्पेसिफाई नहीं करते तो डिलीट हो जाता, लेकिन टेबल अभी भी बचा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL करोगे तो आ जाएगा, लेकिन डेटा नहीं आएगा। डेटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब डिलीट हो गया, तुमने कंडीशन स्पेसिफाई ही नहीं करी, ठीक है। इसीलिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए कंडीशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आ जाओ, हमने क्या क्या बात करी, हमने इसमें बात करी वेरियस ऑपरेटर्स की बात करी, हमने वेरियस ऑपरेटर्स में लाइक की बात करी, सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे, कुछ फंक्शंस देखे, सिंटेक्स की बात करी। सबसे पहले सिलेक्ट आता है, कॉलम्स के नेम आते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ठीक है। देन हमने इंसर्ट अपडेट की बात करी। अपडेट के ऊपर तुम सब क्वेरीज भी चला सकते हो वेयर में, ठीक है, तो वो भी देखेंगे जब सब क्वेरीज करेंगे। अपडेट डिलीट की बात करी, ठीक है, डिलीट में भी तुम वेयर लगाओगे, ठीक है। डिलीट में ऐसी कंडीशंस बहुत कम ही आएंगी कि डिलीट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखो, ठीक है। एक बार अपडेट और डिलीट का सिंटैक्स देख लेते हैं कैसा होगा, जस्ट सेकंड, इधर अपडेट, अपडेट कैसे करोगे और डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। अपडेट EMPL लिखा था, सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी स्टार टू सपोज, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम सेट सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वेयर, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिलीट की, ठीक है, यार रुको, रुको फिर से लिख देता हूँ, अपडेट अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, अगर तुम्हें पुरानी वैल्यू यूज करती हो तो यूज करो, एंड न्यू वैल्यू, ठीक है। वैसे ही डिलीट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, एंड दोनों में इसके बाद एंड इसके बाद वेयर वेयर कंडीशन वेयर कंडीशन, अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अगर ये नहीं लगाते तो विल रन ऑन ऑल द रोज, ठीक है। तो ये करना तो तुम चाहोगे ही, क्योंकि वेयर सारी चीज़ें अपडेट तो नहीं करना चाहोगे ना, या सारी चीज़ें डिलीट, बहुत कम ही ऐसा सिनेरियो होगा जब तुम टेबल में सिर्फ पूरा डेटा डिलीट करना चाहोगे या अपडेट, और अगर पूरा डेटा ही डिलीट करना चाह रहे होगे तो तुम ड्रॉप टेबल यूज़ करोगे ना, ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है या तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है, आई विल ट्राई टू रीच यू आउट एंड इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।